कैसे हो? आज हम लगाना सीखेंगे धागे को कैसे लगाया जाता है। आसान तरीका बताऊंगा, भाई शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ये है मेरा कस्टमर, आज हम कस्टमर के ऊपर अप्लाई करके दिखाएंगे कहां से बाल निकालने हैं और कहां से नहीं निकालने। पकड़ना कैसे धागे को इसी वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना भाई। अगर चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हाथ में हल्का सा पाउडर लूंगा गाइस लगाना है, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों ने धागे को लगाना है वहाँ पर हल्का हल्का यानी कि लगाएंगे पाउडर, ठीक है, ताकि हमारे जो बाल होंगे अच्छी तरह से दिखने लग जाएंगे हमारे को, ठीक है। सबसे पहले मैं जी वाला धागा लूँगा, आप कोई भी लेना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने धागे को लगाना है। कैसे लगाना है देखो, सबसे पहले आपने ऐसे धागे को खोल लेना है, ठीक है। जी वाला जो होगा आपने मुँह में लेना है, ठीक है। उसको जो चार फिंगर होगी ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। चार जो फिंगर होगा जी वाली आपने ऐसे घुमानी, उसके बाद आपने एक दो तीन चार, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। पहली फिंगर देखो आपने ऐसे कर लेना, देखो जहाँ से देखना, एक एक पॉइंट समझने वाला कोई नहीं बताएगा, आपका गुरुबीन बताएगा। चैलेंज करते इस बात का, ऐसे कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे करूँ, ठीक है, आपके फायदे के लिए। ऐसे करना, सीधा करना, ठीक है। जी वाली चीज़ होगी पहली फिंगर, इसमें आपने नाखून में ऐसे डालना देखो, ठीक है। जो दूसरा होगा फिंगर जी वाली लगाना, ये हमारा होगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद जी वाली फिंगर होगी आपने ऐसे निकालना, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे निकालना, ठीक है। ये ऊपर आ गई हमारा लॉक लग गया समझो, जी वाली चीज़, ठीक है। जी वाली जो चीची होगी छोटी वाली, ठीक है, आपने इसको ऐसे लॉक कर लिया, लॉक हो गया। और देखो जे वाली फिंगर दोनों आपकी अप डाउन होनी चाहिए, यानी कि लेवल में, एक लेवल में ये भी लेवल में चलना चाहिए, ये भी लेवल में चलना चाहिए, मुंह में जो धागा वो भी लेवल में चलना चाहिए, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी फिर थोड़ा सा। देखो जे वाले जो फिंगर होते हैं नाखून आपके दर्द करेंगे, कुछ टाइम करेंगे, उसके बाद सेट हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे होंगे जरूर, इसको प्रैक्टिस करना आपने आप लगा के, जैसे मैंने पिछली बारी वीडियो में बताया ना वैसे आपने करना, ठीक है। देखो हाँ, पर आपको दोनों नाखून में थोड़ी दिक्कत होगी, चलो आपको बताते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जो इसका लेवल होगा आपने खराब नहीं करना, ठीक है, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया उसे ही चलाना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगा के सीखेंगे इसको कैसे लगाना। देखो आपने ऐसे लगाना, ठीक है, देखो देखते ही ना मैं कैसे लगाता हूँ। मास्क को नहीं खींचना आपने, जो ऊपर ऊपर बाल होंगे आपने उसको खींचना, क्योंकि बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, कभी कभी चमड़ी भी उखड़ जाती है हमारी, ठीक है। और देखो मेरा ए भी चलेगा, ठीक है, जो मुंह वाला धागा ना ये भी चलेगा, ठीक है, तनागा, ठीक है। और देखो आपने ऐसे आराम से चला देना, देखो मेरा लॉक किया हुआ है यहाँ से, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी बस, देखो ठीक है। देखो वहाँ पर टूट गया, अगर टूट गया फिर वहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ के उसके बाद हम फिर सेम चीज़ आपने उसे करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे का आपने लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद गाइस जो वहाँ पर बाल होते हैं आपने कुछ नहीं करना, वहाँ से जब आप साफ करोगे, ठीक है, उसके बाद कस्टमर को बोलना वहाँ से ऐसे दो अंगूठा लगा कर यानी कि नीचे खींचो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जो जेब वाली चीज़ होती है हमारी नाजुक होती है, आप आना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, यहाँ पर कभी कभी मांस भी उखड़ जाता है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, कस्टमर को बोलना भाई यहाँ पकड़ करना ऐसे करके, ठीक है। देखो जैसे भाई ने पकड़ लिया क्योंकि जो हमारा मांस है, ठीक है, ऊपर आ जाएगा वो, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। वहाँ पर आपने बहुत ध्यान से चलाना, यानी कि सॉफ्ट यानी कि आसान, ठीक है, आराम से चलाना आपने। ये वाली चीज होती है यहाँ पर कैसे लगाते हैं, यहाँ पर गाइस हमारे को छोटा सा करना पड़ता है, धागे को ऐसे रखना पड़ता है, ये वाली जो मुंह में मेरी लेंथ है, देखो ये वाली जो लेंथ है ना, आपको सेम चीज ऐसी रखनी पड़ती है, ये वाली चीज होती है ना हमारे को छोटी करनी पड़ती है, देखो ये वाली चीज है ना हमारे को छोटी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर दिक्कत होती है, जो नए नए बंदे सीख रहे हैं उनको दिक्कत होगी, पर लेकिन यहाँ पर जो लगाते हैं यहाँ पर आपने ऐसे लगाना, देखो ठीक है। उसके बाद जी वाला वहां से फिंगर ऐसे लगाएंगे,
ठीक है, देखो आहां से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप तो नाक पे भी लगा सकते हो, ठीक है। जो जे वाली का चीज़ें होती है ना, वहाँ पर आपको बहुत ही छोटा धागा करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा अच्छी तरह से यानी कि यहाँ पर धागा लग जाए, ठीक है। अब करते हैं गाइस हम लोग ऊपर, ऊपर कैसे करते हैं, देखो हमने शेप बनानी होती है यहाँ पर, शेप, ठीक है। देखो कैसे बनानी होती है, सेम चीज़ है। देखो हमने ना ऐसे शेप बनानी होती है, जैसे मैं बना रहा हूँ ना ऐसे, आपने एक एक बाल गाइस अगर निकालोगे आपका एकदम जन की लाइन सीधी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ऊपर लगाएंगे, तो ऐसे लगाए पहले गाइस, देखो मैंने ऐसे करके, अब मैं लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे रखना, सेम चीज़ आपने ऐसे रखनी है। उसके बाद ये वाली चीज़ होगा ऐसे निकालनी है, जो मथे के ऊपर बाल आते होंगे ना आपने इसको ऐसे उठाना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम करेंगे जी वाली शेप देंगे यानी किसको, ठीक है। ऐसे एक एक बार निकालना है, देखो जैसे मैं निकाल रहा हूँ अपने ऐसे किया, देखो मैंने एक खींच लिया, क्योंकि मेरा एक ही बाल दिक्कत कर रहा था। अगर मैं एक बाल को निकालता ना तो वहाँ पर लाइन बिल्कुल भी सीधी नहीं होती मेरी। देखो आप देख सकते एकदम यानी कि मेरी शेप बन चुकी है, ठीक है। अब निकालना हम लोगों ने बीच में है, ऐसे रखेंगे, ठीक है। पहले जेब वाला पार्ट तो अपने ऐसे रखना, अब जेब वाला बीच में रखना होगा तो भाई इसको ऐसे खींचना पड़ेगा। देखो जेब वाली चीज़ होगी आपने नीचे खींचना, ठीक है। जो गाइस जी भी होगा मेरा, इस वाली साइड पे भी जैसे हमने इस साइड में शेप बनाई है, सेम चीज़ आपने इस साइड में बनानी है, ठीक है। कैसे बनानी है, धागे को सेम चीज़ उसे ही चलाना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो गाइस उसके बाद वहाँ पर लगाएंगे हम लोग, जैसे हमने गाइस इस साइड में बनाया, ठीक है। सेम चीज़ आपने ऐसे बनानी है, ठीक है, यानी कि बाल देख के उठाना, क्योंकि कभी कभी ख़राब भी हो जाती है भाई। देखो जो ऊपर होंगे हल करके आपने इसको ऐसे क्लियर करना है, ठीक है। दादा जो वहाँ पर बाल होते हैं आपने ऐसे उठाना है, ठीक है। गाइस इस साइड में जैसे हमने उस साइड में लगाया, सेम चीज़ आपने ऐसे लगाना, धागे को जैसे मैंने बोला पकड़ने के लिए सेम चीज़ आपने उसे पकड़ना, ठीक है। देखो इस वाली साइड पे आपने कुछ नहीं करना गाइस, जो ये वाली चीज़ होती है मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, वहाँ पर नाजुक चीज़ होती है, वहाँ पर हमारा धागे के साथ मांस भी आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ही आराम से चलाना आपने, ठीक है। देखो सेम चीज़ आपने ऐसे पकड़नी है, ठीक है, सेम चीज़ लगानी है। देखो ठीक है गाइस, उसको ऐसे बोलेंगे ऐसे पकड़ो, ठीक है। ऊपर आ गए ना हमारे, देखो वहां पर छोटा करेंगे धागे को, ठीक है। ये ही हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। वहां पर आपने हल्का से छोटा करके अपने ऐसे निकालना है बाल को, जे वाली चीज़ होगी आपने ऐसे निकालनी छोटी छोटी करके,
है गाइस आपकी हो जाएगी क्लियर। देखो मेरी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर बाल रह जाते हैं ना, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। धागे को फिर वैसे लगाना सेम चीज़ है, ठीक है। ठीक है, हमारा धागा लग चुका है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं हल्के हल्के, यानी कि यहाँ पर भाई के कट लगाएंगे, उसके बाद हमारा फैन हो जाएगा, ठीक है। गाइस भाई के स्टाइलिंग यानी कि कट देंगे हल्के हल्के। आप देख सकते हो लो जी गाइस, हमारी शेप एकदम सही बनी है, आप देख सकते हो। ऐसे ही गाइस आपने धागा लगाना, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी जी का दिखा दे ये वाली चीज़, ठीक है, ठीक है गाइस, ऐसे लगाया जाता धागे को। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका 100% सोल्यूशन मैं निकालूंगा। अगर बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिए हुआ है, वहाँ पर जाओ, साहिल बार बार 2432 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी। अगर कोई भाई मेरा बात करना चाहता है इंस्टाग्राम पर आओगे वेलकम, ठीक है। वहाँ पर कोई भी सवाल जवाब करना होगा तो भाई वहाँ पर मेरे को कर सकते हो, 100% उसकी रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट से जरूर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे।